दोस्तों हर पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि उनके बच्चों को अच्छा संस्कार मिले। वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सके, पर दिक्कत तब आती है जब उनका बेटा किसी गलत रास्ते पे जा रहा होता है। उनके लाख कोशिश करने के बावजूद उनका बेटा जब गलत रास्ते पे जा रहा है तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका बेटा किसके जरिए गलत रास्ते पे जा रहा है। जी हाँ, आज मैं छोटे से उदाहरण से मैं बात करना चाहूंगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है जो टेलीविजन पे आता है, ठीक है, और काफी पेरेंट्स उस शो को देखना पसंद करते हैं। काफी लोगों की पसंदीदा शो है बिग बॉस और काफी लोग उसे देखते भी पसंद करते हैं, प्यार करते हैं उस शो को। और आप सभी को पता होगा कि बिग बॉस में क्या होता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं और उसमें गालियां भी दी जाती है, और काफी पेरेंट्स के साथ साथ उनके बच्चे भी इस शो को देखते हैं, इस शो को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं क्या आपको पता है? आप अपने बच्चों को कोई अच्छी चीज सिखाओ उसमें उसकी रुचि कम होती है, कम होगी, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को कुछ गलत चीज बताइए तो उसमें उसकी रुचि ज्यादा होती है। तो बिग बॉस को भी वो इसीलिए पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि आप जो सिखा रहे हो उसे, वो उसे पसंद नहीं है, लेकिन जो आप नहीं सिखा रहे वो उसे इनडायरेक्टली बिग बॉस से सीखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को मेरी? तो बिग बॉस में भी कुछ ऐसा ही होता है। बिग बॉस में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, गाली दी जाती है, तेरा मेरा क्या जाता है, ठीक है, और वही बच्चे वहां से सीखते हैं, वही भाषा वहां से वो सीखते हैं। फिर आप सोच रहे होते कि आपके बच्चे को गलत संस्कार कहां से मिल रहा है। आपके बच्चे को गलत संस्कार टेलीविजन से मिल रहा है जो वो आपके जरिए देखते हैं। आप उनको दिखाना नहीं चाहते लेकिन आप देख रहे हो उसे, और आपके साथ साथ आपके बच्चे भी देख लेते हैं और साथ में वो वहां से कुछ चीजें सीख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखते हो तो कोशिश करो कि आपके बच्चे वो शो न देखे। टीवी टेलीविजन पे कई ऐसे रियलिटी शो है जिसे बच्चों को नहीं देखना चाहिए, जैसे बिग बॉस हो गया, रोडीज हो गया, स्प्रिट विला हो गया, और कई ऐसे रियलिटी शो है जिन्हें बच्चों को नहीं देखना चाहिए, बच्चों को उस शो से दूर रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से ऐसे शो टेलीविजन पे भी नहीं आने चाहिए। क्यों? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अगर हमारे देश में वेब सीरीज पे भी विवाद हो सकता है, वेब सीरीज भी पंगे में फंस सकती है, तो बिग बॉस, रोडीज ये क्यों नहीं फंस सकते? फंस सकते हैं ना, इनको फंसना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वेब सीरीज तो एक एप्लीकेशन पे दिखाया जाता है, टेलीविजन पे नहीं दिखाया जाता। एप्लीकेशन भी आपकी पसंद है, अगर आपको देखना है तो आप जाके नेटफ्लिक्स पे, अमेजन प्राइम पे, ALT बालाजी पे और कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे आप जाके देख सकते हो, लेकिन आपकी पसंद के हिसाब से आपको डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद आप देखते हो। लेकिन टेलीविजन पे क्या है, टेलीविजन पे तो हर कोई देख सकता है, चाहे बच्चा हो, चाहे वो आप हो, चाहे बूढ़ा बूढ़ी, कोई भी देख सकता है। तो जहां पे कोई भी देख सकता है, जो पुल्ली ओपन सोर्स है, वहां पे ऐसी चीजें दिखाना नहीं चाहिए जिससे हमारे बच्चों पे गलत प्रभाव पड़े या फिर हमारे पेरेंट्स के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल हमारी गवर्नमेंट इस पे विचार करेंगी, क्योंकि कोई ना कोई इस बात पे भी आवाज उठाएगा कि बिग बॉस जैसे शो, रोडीज जैसे शो को टेलीविजन पे नहीं दिखाना चाहिए जिससे हमारे बच्चों के संस्कार पे गलत प्रभाव पड़े। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। अगर आपको मेरी बातें कुछ सही लगी, अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में कुछ दम था, अगर मेरी बातों ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। दोस्तों फिर मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।